नमस्कार दोस्तों, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम डिस्कशन करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले कि हम ऑर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की डिस्कस करें, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नंबर दो, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? देखिए, हमारे पास सपोज वाई इज इक्वल टू 2x है। अगर x की वैल्यू वन रखूं तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अगर x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। अगर x की वैल्यू 3 रखूं तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 6। यानी y की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर। तो x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y इज डिपेंड ऑन x, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसने क्या कहा, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो यानी x हो, y हो और डेरिवेटिव मींस d/d ऑफ y डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट y का एटलीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होना जरूरी है, तो उसको कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, जैसे हमारे पास ये है dy/dx + x = 0, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर दो, सपोज हमारे पास इस तरह से x dy + y dx = 0, तो ये भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। बच्चों, आप कहेंगे कि ये dy/dx नहीं है, तो हम dx से डिवाइड करें दोनों साइड, तो यहाँ पे x dy/dx बन जाएगा प्लस y = 0 बन जाएगा, तो दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये d²y/dx² है हमारे पास प्लस 4y = 0, तो दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये है d³y/dx³ + 2d²y/dx + 5dy/dx + 3y = x, तो दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस तरह की इक्वेशन को बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है वो है ऑर्डर एंड डिग्री। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है बच्चों? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच ऑकर इन इट। वो कहता है कि ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कितनी बार है? 3 बार डेरिवेटिव d³y/dx, तो ऑर्डर कितना है इसका बच्चों? 3 है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार है उसको बोलते हैं हम ऑर्डर। और डिग्री क्या होती है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की? डिग्री होती है बच्चों, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच ऑकर इन इट आफ्टर द डेरिवेटिव हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे बच्चों, जो डिग्री होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव जैसे 3 है, सपोज इसकी पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसकी सारे की पावर है 5,
तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास तीन है, तो तीन की जो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है उसको हम डिग्री बोलेंगे। और उसने आगे ये कहा है, आफ्टर द डेरिवेटिव हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, जो डेरिवेटिव है एक तो रेडिकल में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए डेरिवेटिव। जब हम डेरिवेटिव को सपोज इस तरह से भी आ जाती है हमारे पास डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस वाई बाय डी वाई बाय डी एक्स, अब ये किस में है बच्चों, फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्री करेंगे हम फ्रैक्शन से, उसके बाद हम हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखेंगे। दूसरा रेडिकल फ्री होना चाहिए, यानी एंगल में हमारे पास कभी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। सपोज हमारे पास कई बार इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है डी स्केयर एक्स वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस फाइव डी वाई बाय डी एक्स इस सारी की पावर फाइव और प्लस साइन डी वाई बाय डी एक्स। अब ये एंगल में हमारे पास अगर डेरिवेटिव आ जाए तो हम उसमें डिग्री इज नॉट डिफाइन कहेंगे। ऑर्डर तो डिफाइन है, ऑर्डर हमारे पास है हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है, लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइन क्योंकि यहाँ पे एंगल में डेरिवेटिव है, एंगल में हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास पॉलीनोमियल होनी चाहिए, किसमें पॉलीनोमियल होनी चाहिए हमारे पास डेरिवेटिव में, जैसे डी क्यू बाय डी स्क्वायर बाय डी बाय डी एक्स और फ्री फ्रॉम रेडिकल। जैसे ये फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं है, ये एंगल में डेरिवेटिव है हमारे पास, तो इसकी डिग्री हम कहेंगे नॉट डिफाइन। उसके बाद बच्चों हमारे पास कंसेप्ट है लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसके अलावा पांच चार एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, दो तीन एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना बच्चों, एक ही बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर भी वन है, और डिग्री कितने बच्चों, डेरिवेटिव की पावर भी वन है तो डिग्री भी क्या है, ऑर्डर भी वन है, यहाँ डिग्री भी वन है। यहाँ पे ऑर्डर कितना बच्चों, दो बार डेरिवेटिव है, ऑर्डर दो है, और इस सारी की पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर वन है तो डिग्री कितनी हमारे पास, वन, ऑर्डर दो है और डिग्री वन है। तो बच्चों इसके बाद जो हमारे पास कंसेप्ट आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। सो लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर इन ओनली इन फर्स्ट डिग्री। जो डिपेंडेंट वेरिएबल मींस वाई एंड इसका डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाय डी एक्स की क्यूब, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और इसके डेरिवेटिव, y के डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, ये सभी की डिग्री वन होनी चाहिए, यानी y की पावर भी वन होनी चाहिए और इन सब की पावर भी सारे की सबकी वन होनी चाहिए। तो और नंबर वन तो ये होना चाहिए आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इस डेरिवेटिव अकर इन फर्स्ट डिग्री, यानी वन डिग्री में होने चाहिए। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इस डेरिवेटिव नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और इनकी कहीं पे मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पास ये है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस फाइव वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका, दो, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव दो है और डिग्री इसकी वन है। अब लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें तो ये नॉन लीनियर है क्योंकि यहाँ पे वाई और इसका डेरिवेटिव, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई टुगेदर है, यानी इकट्ठे मल्टीप्लाई ये नहीं होने चाहिए। सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर सारे का होल स्केयर प्लस फाइव वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब ये बच्चों इसका ऑर्डर है हमारे पास दो और डिग्री कितनी है बच्चों, ऑर्डर की हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर टू है तो डिग्री भी दो है, ऑर्डर भी हमारे पास दो है और डिग्री भी हमारे पास कितनी है, दो है। और ये नॉन लीनियर है बच्चों, नॉन लीनियर क्यों, क्योंकि डिग्री दो है तो डिग्री वन होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे वन होती और यहाँ पे पावर दो होती तो ये डिग्री सारी की डिग्री तो वन है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव है उनकी सबकी पावर वन होनी चाहिए, इन सबकी डिग्री वन होनी चाहिए, यहाँ पे इस डेरिवेटिव की पावर दो है तो यहाँ पे फिर ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। यानी बच्चों हमारे पास लीनियर इक्वेशन कब होगी, अगर उस डिपेंडेंट वेरिएबल यानी वाई और उसके जितने भी डेरिवेटिव उन सबकी पावर वन होनी चाहिए, दूसरा y और उसके डेरिवेटिव इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए कहीं पे भी, तो वो लीनियर रहेगी, अदरवाइज इट इज नॉन लीनियर। अब बच्चों इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं 11.1 एक्सरसाइज 11.1।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है cos x dx प्लस cos y dy इक्वल टू जीरो। उसने पूछा है, इसका ऑर्डर पूछा है, डिग्री पूछा और पूछा है वेदर इट इज नॉन लीनियर और नॉन लीनियर। तो हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। सबसे पहले हम dx से डिवाइड करें दोनों साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा cos x, यहाँ पे cos y dy by dx, dx से dx कैंसिल हो जाए, dy by dx इक्वल टू जीरो। तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, ऑर्डर है वन, और डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, ये डेरिवेटिव एक ही बार है तो ऑर्डर वन, डिग्री भी वन है, इसकी पावर वन है, लेकिन नॉन लीनियर है बच्चों। नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इसका डेरिवेटिव इकट्ठे मल्टीप्लाई है, तो इट इज नॉन लीनियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वन प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो। सो बच्चों अगेन यहाँ पे डी एक्स से डिवाइड करेंगे दोनों, तो डी एक्स से डिवाइड जब करेंगे हम, एक्स वाई इंटू वाई प्लस वन माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डी एक्स से डिवाइड किया। अब बच्चों इसका ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार है, और डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर देखनी हमने, तो इसकी पावर वन है तो वन। अब लीनियर और नॉन लीनियर देखना है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों वाई और इसका डेरिवेटिव, ये जब मल्टीप्लाई इकट्ठे हैं बच्चों तो ये नॉन लीनियर। दूसरा वाई को जो वाई से मल्टीप्लाई करें, वाई की पावर टू हो जाएगी, क्योंकि वाई की पावर हमारे पास वन होनी चाहिए हमेशा, तो यहाँ पे टू हो जाएगी तो नॉन लीनियर, तो इट इज नॉन लीनियर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है हमारे पास दो, डिग्री कितनी है बच्चों, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं, दो बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर दो, इसकी पावर सारे की कितने, वन, तो डिग्री है हमारे पास वन, और लीनियर और नॉन लीनियर, तो ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इकट्ठे हैं, ये इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर भी यहाँ पे टू है, तो सभी जितने भी डेरिवेटिव सभी की पावर वन होनी चाहिए, तो इट इज नॉन लीनियर। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स रेज टू पावर फोर प्लस थ्री वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बच्चों यहाँ पे ऑर्डर कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव है तो ऑर्डर दो है। डिग्री कितनी है बच्चों, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव दो है, इसकी पावर तो वन है, डिग्री वन है, और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों है बच्चों ये, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इसकी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई आ गई इकट्ठे। दूसरा यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर चार भी है, सभी डेरिवेटिव की पावर हमारे पास वन होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स की होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं, तो दो है। डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री है हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर वन, तो डिग्री है वन, और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इकट्ठे हैं बच्चों। दूसरा यहाँ डेरिवेटिव की पावर भी दो है। छठा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। तो डिवाइड करेंगे डी एक्स से, सो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स से डिवाइड करें दोनों साइड, तो डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर कितना है हमारे पास, ऑर्डर है हमारे पास बच्चों वन, और डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री भी हमारे पास क्या है वन, और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वाई की पावर दो आ गई, तो नॉन लीनियर।
सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वाई डबल डैश प्लस थ्री वाई डैश का स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, वेयर वाई डैश का मतलब है बच्चों डी वाई बाय डी एक्स। अगर वाई डैश का मतलब डी वाई बाय डी एक्स है तो वाई डबल डैश का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सो बच्चों ऑर्डर कितना है यहाँ पे, ऑर्डर है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा दो बार डेरिवेटिव वाई डबल डैश है तो दो, और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है बच्चों, सारे की पावर तो वन है तो वन, और नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर क्यों है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर की टू आ गई बच्चों यहाँ पे, तो नॉन लीनियर। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर p इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। सो बच्चों p का मतलब डी वाई बाय डी एक्स है, तो p स्क्वायर का मतलब होगा डी डी वाई बाय डी एक्स सारे का होल स्क्वायर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है बच्चों, एक ही बार डेरिवेटिव है, ये p का स्क्वायर मीन्स डी बाई डी एक्स का स्क्वायर होगा। तो ऑर्डर कितना है बच्चों हमारे पास, ऑर्डर है हमारे पास वन, डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री है हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर यहाँ पे देखिए p डी बाई डी एक्स की पावर दो है तो डिग्री होगी दो, और नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों है बच्चों, क्योंकि डिग्री टू है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उसने कहा है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स सारे की क्यूब स्क्वायर रूट। बच्चों यहां पे हम देखें कि अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना बच्चों, ऑर्डर है हमारे पास दो, डिग्री कितनी है क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव दो है, डिग्री है हमारे पास दो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर दो, और नॉन लीनियर क्योंकि बच्चों डिग्री टू है, नॉन लीनियर। दसवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, दसवां क्वेश्चन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स की क्यूब। बच्चों यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर कितना बच्चों हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव एक ही बार है, और डिग्री एक बार डेरिवेटिव की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, तीन पावर है एक बार डेरिवेटिव की, तो डिग्री तीन, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पे डिग्री थ्री है। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, वन बाय एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। बच्चों यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार है, दो बार, और डिग्री कितनी है बच्चों, तो डिग्री सारे की ज्यादा दो बार डेरिवेटिव की पावर वन है तो डिग्री वन है, और लीनियर क्योंकि बच्चों डिग्री भी वन है, कहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव इकट्ठे मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये बच्चों लीनियर है। बच्चों बारहवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस थ्री डी एस बाय डी टी की पावर थ्री प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव दो बार है, डिग्री कितनी है बच्चों, डिग्री हमारे पास ज्यादा से ज्यादा दो बार डेरिवेटिव की पावर दो है तो डिग्री दो, और नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर क्यों है बच्चों, क्योंकि डिग्री यहाँ पे दो है। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहां पे ऑर्डर कितना है हमारे पास, ऑर्डर है दो, डिग्री डिग्री देखिए बच्चों ये कोस एंगल में डेरिवेटिव आ गया तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और नॉन लीनियर कहेंगे हम इसको, नॉन लीनियर। फोर्टींथ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्टींथ क्वेश्चन है वाई डबल डैश
की क्यूब प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस साइन वाई डैश प्लस वन। फिर वाई डैश का मतलब होता है डी वाई डी एक्स। तो बच्चों ऑर्डर तो ज्यादा से ज्यादा दो बार डायरेक्टेड वाई डबल डैश, तो ऑर्डर हमारे पास दो। डिग्रीज नॉट डिफाइंड, डिग्रीज नॉट डिफाइंड बिकॉज बच्चों यहाँ पे एंगल में डेरिवेटिव आया, वाई डैश आ गया, नॉट डिफाइन, नॉन लीनियर कहेंगे बच्चों, नॉन लीनियर। 15th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 15th क्वेश्चन क्या है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसकी क्यूब और होल पावर 4/3 इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की स्क्वायर। बच्चों क्यूबिंग बोथ साइड करें, क्यूबिंग वो साइड करें तो एक क्यूब ए वन बाई फोर बाई थ्री है, तो यहाँ पर फोर बार क्यूबिंग वो साइड करो, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे बच्चों वन प्लस डी वाई बाय डी एक्स की क्यूब सारे की पावर 4/3 की क्यूब करेंगे बच्चों, तो थ्री यहाँ लिखा जाएगा, पी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, क्यूबिंग वो साइड किया, तीन से तीन कैंसिल। तो हाईएस्ट डेरिविटी कितना बच्चों यहाँ पे, दो बार डेरिविटी है, हाईएस्ट डेरिविटी दो बार है, तो ऑर्डर हो गया हमारे पास, ऑर्डर हो गया दो। और डिग्री कितनी हुई बच्चों, डिग्री हुई हमारे पास तीन, हाईएस्ट पावर डेरिविटी पावर तीन है, और नॉन लीनियर हो गई बच्चों हमारे पास, नॉन लीनियर। सो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 11.1, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।